गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत के बाद लगा पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के एक और शानदार मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत के बाद अब पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर गुजरात टाइटंस की जीत से कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है, तो इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीमें भी यहाँ पर हैरान हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा समीकरण बताएंगे कि इस समय पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है और किस टीम के ऊपर फिलहाल खतरे का निशान आ चुका है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं और आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें होगी जो इस बार प्लेऑफ में पहुंचेगी। आप हमें अपनी फेवरेट टीमों के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें अगर आप भी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हुए जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान की टीम की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली ने अब तक चार मुकाबले खेले और चार ही मुकाबलों में इन्हें बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और अब तक इस टीम की नेट रन रेट की बात करें तो वो -1.576 है, जिसके चलते सबसे आखिरी नंबर पर है। इस टीम के अभी भी 10 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें से इस टीम को कम से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि आगे की राह दिल्ली के लिए थोड़ी मुश्किलों वाली रहने वाली है। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर 9 की तरफ, तो यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम है। सनराइज हैदराबाद ने भी अब तक 3 मुकाबले खेले, जिनमें से एक मुकाबला जीता है, जबकि 2 मुकाबले यह टीम भी हारी है। इनके पास फिलहाल 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी -1.502 है। बचे हुए अभी भी इस टीम के पास 11 मुकाबले हैं, जिनमें से यह टीम अगर बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करके 7 मुकाबले अब और जीत जाती है तो प्ले ऑफ इनका लगभग तय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 टीम की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस मौजूद है। मुंबई ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और इन्हें भी एक मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास भी 2 पॉइंट है, जबकि इनकी नेट रन रेट -0.879 है। इन्हें अपनी नेट रन रेट पर तो काम करना ही होगा, साथ ही बचे हुए 11 में से अभी भी इस टीम को 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम मौजूद है। आरसीबी ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक मुकाबला जीता है और 2 मुकाबलों में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.800 है। ये टीम शुरुआत तो काफ़ी गजब की थी पहला मुकाबला जीत कर, लेकिन इसके बाद 2 में से 2 मुकाबलों में हार मिली है। तो अब बचे हुए इन्हें 11 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है, साथ ही नेट रन रेट भी थोड़ी बेहतर करनी होगी। वो इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की, तो यहाँ पर पंजाब किंग्स मौजूद हैं। पंजाब ने शुरुआती 2 मुकाबलों में धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद के 2 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब इस टीम के पास 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार हैं, साथ ही इनके पॉइंट भी 4 हैं, जबकि नेट रन रेट अब -0.226 हो चुकी है। तो बचे हुए अब 10 मुकाबलों में से इस टीम को 6 मुकाबले जीतने हैं, जबकि नेट रन रेट थोड़ी बेहतर करनी होगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं, साथ ही इनके 4 पॉइंट हो चुके हैं। इनकी नेट रन रेट अभी भी +0.225 है। बचे हुए इस टीम के पास 10 मुकाबले हैं, जिनमें से 6 मुकाबले जीतने हैं इन्हें, जबकि नेट रन रेट इनकी काफ़ी अच्छी है, तो इसे मेंटेन करना होगा। वहीं पर दोस्तों अब नंबर 4 की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स को अब नंबर 4 पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के मुकाबले में गुजरात की जीत के बाद नंबर 4 पर खिसक चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो इन्हें बड़ा झटका लग चुका है। 3 में से 2 मुकाबले ये टीम जीती है, जबकि एक मुकाबला हारा है। इनके पास फिलहाल 4 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट +1.375 है। बचे हुए 11 मुकाबलों में से इस टीम को 6 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि इनकी राह थोड़ी आसान नज़र आ रही है अब। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 3 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है गुजरात टाइटंस। आज के मुकाबले में जीत के बाद गुजरात अब नंबर 3 पर आ चुकी, तो इन्हें बड़ा फायदा हुआ है। इस टीम के 4 में से अब 3 जीत हो चुकी है, जबकि सिर्फ एक मुकाबले में ही इन्हें हार मिली है। 6 पॉइंट इनके पास हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट भी +0.341 हो चुकी है, यानी कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस गुजरात का रहा है। अब बचे हुए इस टीम के पास 10 मुकाबले हैं, जिनमें से इन्हें 5 मुकाबले जीतने हैं। वहीं पर नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिन्होंने 4 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि इन्हें भी एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास भी फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट +1.048 है, यानी कि यह भी काफ़ी शानदार स्थिति में है। और बचे हुए इस टीम के पास भी 10 मुकाबले हैं, जिनमें से इनको 5 मुकाबले जीतने हैं।
वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर वन टीम की तरफ। तो यहाँ पर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम नंबर वन पर बनी हुई है। राजस्थान ने अब तक 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 1 मुकाबला हारा है। इनके पास 6 पॉइंट है जबकि नेट रेट इनकी सबसे बेहतर है जो कि +1.588 है, जिसके चलते ये फिलहाल टॉप पर बने हुए हैं। और अब बचे हुए इनके भी 10 मुकाबले हैं जिनमें से इन्हें 5 मुकाबले जीतने हैं। यानी कि दोस्तों फिलहाल राजस्थान, लखनऊ और गुजरात सबसे बेहतर स्थिति में है जबकि चेन्नई, कोलकाता और पंजाब जैसी टीमें एक जैसी स्थिति में पहुंच चुकी है। जबकि फिलहाल आरसीबी, मुंबई और हैदराबाद की टीम अभी भी यहां पर रेड जोन की कगार पर जरूर आ चुके हैं लेकिन अभी भी ये टीमें रेड जोन में नहीं गई हैं। लेकिन रेड जोन में आईपीएल 2023 में अब तक सिर्फ एक टीम गई है, वो है दिल्ली कैपिटल, क्योंकि अब उनके पास मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम बचा है क्योंकि 2 मुकाबले हारते ही वो बाहर होने की कगार पर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें जाएगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।